हेलो एवरीवन। सो प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने फैराडेस बेसिक एक्सपेरिमेंट्स देखे और उसी एक्सपेरिमेंट के जितने भी कंक्लूजन थे वो सारे कंक्लूजन एनिमेशन वीडियो के साथ भी देखे। सो प्रीवियस लेक्चर के अंदर बेसिकली हमने चैप्टर का सिर्फ इंट्रोडक्शन देखा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब फैराडे ने मैथमेटिकल वे से पूरा एक लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन रेडी किया, जो स्टेटमेंट है स्टैंडर्ड स्टेटमेंट, उसी का आज हम लोग मैथमेटिकल फॉर्मेट देखने वाले हैं। सो आज के इस लेक्चर के अंदर हम बेसिकली फैराडेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, देन लेंसेज लॉ एंड एक और फिनोमिना विच इज़ मोशनल ईएमएफ। सो ये दो या तीन फिनोमिनाज हम प्रॉपरली देखने वाले हैं। सो टिल द एंड पूरा वीडियो प्रॉपरली देखना है, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आएंगे, जितनी भी थ्योरीज आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगी, वो सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पे बताता जाऊँगा। आपको सिर्फ ये सारी चीज़ें नोट डाउन करनी है। सो लेट अस स्टार्ट विद द न्यू क्वेश्चन, स्टेट एंड एक्सप्लेन फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। सो प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने जो बेसिक कंक्लूजन बनाए थे वो सारे बेसिक कंक्लूजन हम एक बार फटाफट से रिपीट कर लेते हैं। द फर्स्ट पॉइंट वॉज कि जब भी मैग्नेट एंड कॉइल इन दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन होगा तब तक हमें इंड्यूस्ड करंट मिलेगा। अगर हमने कॉइल को स्टेशनरी रखा, उसके रिस्पेक्ट में मैग्नेट को मूव करवाया, या फिर मैग्नेट को हमने स्टेशनरी रखा और कॉइल को मूव करवाया, ये सारी सिचुएशन के अंदर रिलेटिव मोशन हमें मिलेगा। सो रिलेटिव मोशन इज रिस्पॉन्सिबल टू इंड्यूस अ करंट। देन जितना फास्ट हम ये मूवमेंट करवाएंगे कॉइल टू मैग्नेट और मैग्नेट टू कॉइल, इतना ही ज़्यादा हमें ईएमएफ भी मिलेगा। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट था एमसीक्यू के लिए, अगर कॉइल एंड मैग्नेट दोनों सेम डायरेक्शन में सेम वेलोसिटी से मूव करेंगे तब हमारे रिलेटिव वेलोसिटी हो जाएगी ज़ीरो एंड वी गेट ज़ीरो इंड्यूस करंट, मतलब कि हमें उस कंडीशन में कोई भी इंड्यूस ईएमएफ या इंड्यूस करंट नहीं मिलेगा। सो ये बेसिक पॉइंट्स हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर बाय सिंपल एक्सपेरिमेंट्स हमने कंक्लूड किए थे। सो अब उसी सारे कंक्लूजन का मैथमेटिकल फॉर्म हमने अल्टीमेटली सारे एक्सपेरिमेंट के अंदर एक चीज़ जो की थी, हमने सिर्फ मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज किया। सो प्रीवियस टॉपिक हमने मैग्नेटिक फ्लक्स भी डिस्क्राइब किया, किसी भी क्रॉस सेक्शन एरिया से कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास होगी। सो ये एक पूरा अमाउंट हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स। अब उस मैग्नेटिक फ्लक्स को हमने चेंज किया, उस चेंज की वजह से हमें मिला इंड्यूस्ड ईएमएफ इंड्यूस करंट। सो बेसिकली उसी सारे पॉइंट का मैथमेटिकल फॉर्मेट हमने यहाँ पे क्रिएट किया है। सो लेट अस स्टार्ट द बेसिक स्टेटमेंट, द मैग्नीट्यूड ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन अ सर्किट इज इक्वल टू द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द सर्किट। किसी भी सर्किट से हमने कितना मैग्नेटिक फ्लक्स विथ रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज किया, जब तक हमें वो चेंज मिलेगा उसी मोमेंट पे हमें इंड्यूस ईएमएफ मिलेगा। सो हमने सेकेंड एक्सपेरिमेंट में स्पेशली मोमेंट्री डिफ्लेक्शन भी देखा था गैल्वेनोमीटर के अंदर, जब हमने स्विच जस्ट ऑन की और स्विच को जस्ट ऑफ किया। सो द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स क्रिएट्स इंड्यूस्ड ईएमएफ, ये हमारा बेसिक स्टेटमेंट। सो बेसिकली रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स मतलब कि डी फाई बाई डी टी। सो हमें जो मैथमेटिकल फॉर्म मिलेगा ई इज इक्वल टू डी फाई बी बाई डी टी, बट हम यहाँ पे एक माइनस की साइन रखेंगे। ये जो नेगेटिव साइन होगी वो हमें स्पेशली लेंस लॉ की प्रेजेंस यहाँ पे दिखाएगा। अब ये लेंस लॉ करता क्या है, ये सारी चीज़ हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में देखने वाला है। सो अभी के लिए सिर्फ आपको याद रखना है कि E इज इक्वल टू माइनस डी फाई बी बाई डी टी। और नॉर्मली मैग्नीट्यूड की बात करें तो मैग्नीट्यूड के लिए हम नॉर्मली इस फॉर्मूला को यूज़ करेंगे जब मॉड्यूलस होगा डी फाई बी बाई डी टी। फॉर एन टर्म्स दिस फॉर्मूला कैन बी रिटर्न एज एन टाइम्स डी फाई बी बाई डी टी। द नेगेटिव साइन इंडिकेट्स द डिरेक्शन ऑफ ई एम एफ एंड हैंस द डिरेक्शन ऑफ करंट इन अ क्लोज लूप। स्पेशली ये इंडिकेट करेगा लेंसेस लॉ। इन द केस ऑफ अ क्लोजली वाउंड
कॉइल ऑफ एन टर्न्स, कैपिटल एन टर्न्स, चेंज ऑफ फ्लक्स एसोसिएटेड विद ईच टर्न इज द सेम. देयरफॉर द एक्सप्रेशन फॉर द टोटल इंड्यूस्ड ईएमएफ इज गिवन बाय एन टाइम्स डी फाइव बी बाई डी टी. द इंड्यूस्ड ईएमएफ कैन बी इंक्रीज्ड बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स एंड ऑफ अ क्लोज्ड कॉइल. सो ये हमारा मैथमेटिकल फॉर्म और सिंपल स्टेटमेंट फैराडेज लॉ का. अल्टीमेटली हमें सिर्फ द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स का ध्यान रखना है कि टाइम के साथ मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तब हमें उस कंडीशन में उस कॉइल के अंदर इंड्यूस ईएमएफ इंड्यूस करंट मिल सकता है. सो ई इज इक्वल टू डी फाइव बी बाई डी टी एंड नेगेटिव साइन स्पेशली हम यूज़ करेंगे लेंज़ लॉ की प्रेजेंस के लिए जिसको हम अभी पढ़ने वाले हैं. देन फॉर एन टर्म्स दिस फार्मूला कैन बी रिटन एज ई इज इक्वल टू माइनस एन डी फाइव बी बाई डी टी. सो फैराडेज लॉ का बेसिक स्टेटमेंट और मैथमेटिकल फॉर्म, ये थियोरी आपको आ सकती है एग्जाम के अंदर 2 मार्क्स के अंदर. नाउ द नेक्स्ट वन, प्रूव डैट द लेंज़ लॉ इज अ स्पेसिफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड स्टेट लेंज़ लॉ. अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ये चीज़ भी हमें प्रूव करनी है, उसी के साथ हमें लेंज़ लॉ का बेसिक स्टेटमेंट पढ़ना है. तो ये एक जो थियोरी है, जो कंसेप्ट है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, बट एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इसके बेसिस पे एमसीक्यू में आपको कन्फ्यूजन हो सकती है. सो आपको प्रॉपरली पूरा कंसेप्ट समझना है. मैं आपको एनिमेशन एक वीडियो और भी दिखाऊंगा जिसके अंदर आपको ये पूरा एनिमेशन मैंने शेयर किया लेंज़ लॉ का, जिसके अंदर से आपको और भी क्लियर आइडिया आएगा कि लेंज़ लॉ एग्जैक्टली लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के अंदर माइनस की साइन क्यों रिप्रेजेंट कर रहा है. सो लेट अस स्टार्ट. सपोज अब एक बेसिक एग्जांपल से अगर हम स्टार्ट करें तो सपोज हमारे पास ये एक कॉइल है. कॉइल के सामने हमने एक मैग्नेट प्लेस किया नॉर्थ साउथ. इस मैग्नेट के लिए नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर आएगी, ओके. सो जब इस मैग्नेट को हम टूवर्ड्स द कॉइल लेके जाएंगे, मतलब कि हमने चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स क्रिएट किया, उस कंडीशन के अंदर इस कॉइल के अंदर हमें इंड्यूस करंट मिलेगा. द क्वेश्चन इज ये इंड्यूस करंट कौन सी डायरेक्शन में होगा. हमारी जो फर्स्ट पॉसिबिलिटी होगी वो फर्स्ट पॉसिबिलिटी होगी क्लॉकवाइज, और हमारी सेकंड पॉसिबिलिटी होगी एंटी क्लॉकवाइज. सो वी हैव टू डिसाइड कि जब कॉइल की तरफ मैग्नेट का नॉर्थ वाला पार्ट जाएगा तब करंट कौन सी डायरेक्शन में होगा, और इसी मैग्नेट के पोलारिटी को हमने चेंज किया, मतलब कि पहले इनिशियली साउथ देन नॉर्थ, तब इस कॉइल के अंदर करंट कौन सी डायरेक्शन में हमें मिलेगा. सो लेंज़ लॉ से बेसिकली हम ये करंट की डायरेक्शन यहाँ से कैसे इंडिकेट कर रहे हैं वो सीखेंगे, प्लस उसका एक और जो मेथड है जो हम डिटेल में अभी स्टडी करेंगे उसको भी मैं आपको प्रॉपरली स्पेसिफाई करूँगा यहाँ पे. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज कि अगर मैग्नेट के मैग्नेटिक फ्लक्स को हमने कॉइल के साथ चेंज किया तो इंड्यूस करंट मिलेगा अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ, बट उस करंट की डायरेक्शन कौन सी होगी, क्लॉकवाइज होगी या फिर एंटी क्लॉकवाइज होगी. अब हमें क्या करना है, वन बाय वन दोनों पॉसिबिलिटी चेक करनी है. नंबर वन, सपोज ये हमने कॉइल मान ली, इस कॉइल के अंदर हमने मान लिया कि ये इस डायरेक्शन के अंदर करंट फ्लो होगा जब मैग्नेट का नॉर्थ यहाँ पे होगा साउथ यहाँ पे होगा. अब अगर ये वाली डायरेक्शन हमारी करंट की होगी, मतलब कि ये एंटी क्लॉकवाइज, अगर ये एंटी क्लॉकवाइज करंट की डायरेक्शन होगी तो अकॉर्डिंग टू राइट हैंड पाम रूल हमारी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कौन सी होगी. अकॉर्डिंग टू राइट हैंड पाम रूल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कौन सी होगी. सो इस कॉइल को आपको 3D में समझना है, 3D में इन द सेंस कि आपके स्क्रीन के ऊपर एक कॉइल दिख रही होगी, आपको अपनी स्क्रीन के एग्जिट ऊपर एक कॉइल रखनी है
यू कैन पुट अ सर्कुलर डिस्क और कोई भी एक ऑब्जेक्ट आप सर्कुलर रख सकते हो। उस सर्कल के ऊपर आपको डिरेक्शन शो करनी है कि करंट एंटी क्लॉकवाइज जाएगा। अगर करंट एंटी क्लॉकवाइज जाएगा तो थंब की डिरेक्शन करंट की डिरेक्शन बनेगी और हमें सेंटर की तरफ जो कॉइल होगी उसके फिंगर्स को पॉइंट आउट करना है और उस फिंगर को हमें कर्ल करना है। सो अगर एंटी क्लॉकवाइज होगा करंट, अगर हमने करंट की डिरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज मानी तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हमने सर्कल जो हमने रिंग अभी आपके मोबाइल के स्क्रीन के ऊपर जो हमने अभी स्क्रीन को जिस रिंग को हमने सपोज किया है उस रिंग से बाहर निकलेगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और उसी डिरेक्शन में हमारा मैग्नेट भी उसको अप्रोच करेगा। मतलब कि अगर हमने ये एंटी क्लॉकवाइज माना तो यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस करंट, ये मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से बाहर निकलेगी और यहाँ से बाहर निकलेगी मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड लाइन, मतलब कि ये वाली रेड लाइन। सो अगर ये वाली सिचुएशन क्रिएट हुई इसका मतलब कि मैग्नेट का जो फ्लक्स होगा और उसके अपोजिट रिंग के अंदर जो इंड्यूस करंट मिला उस इंड्यूस करंट की वजह से जो हमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मिलेगी ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमारे मैग्नेट की फील्ड लाइंस को अपोज करेगी। सो रियलिटी में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहाँ पे फुलफिल होता है? अगर हमें मैग्नेट को इस वाली पोजीशन से नॉर्थ साउथ इस वाली पोजीशन से यहाँ पे लाना होगा सो वी हैव टू वर्क ऑन द मैग्नेट, हमें मैग्नेट के ऊपर वर्क करना होगा बिकॉज जैसे मैग्नेट नज़दीक लेके जाएंगे हमें सामने से एक मैग्नेटिक फील्ड जो रिंग के अंदर इंड्यूस हुई है वो अपोज करेगी। सो हमें ऑलवेज इस इंड्यूस करंट को लाने के लिए मैग्नेट को मूव करवाना होगा टूवर्ड्स द रिंग अवे फ्रॉम द रिंग। मतलब कि जब तक हम वर्क करेंगे जब तक मैग्नेट फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव होगा उस कंडीशन में हमें मैग्नेटिक फ्लक्स मिलेगा। मतलब कि ये डायरेक्टली हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बोल सकते हैं कि हमने वर्क डन किया और ये वर्क डन के अकॉर्डिंग हमें सामने से एक एनर्जी मिली, एक हमें वर्क डन का रिप्लाई मिला। रिप्लाई इन द सेंस कि हम कभी भी किसी भी ऑब्जेक्ट को डायरेक्टली विदाउट वर्क डन उसके अंदर कोई भी चेंज नहीं कर सकते। सो ये जो सिस्टम ये जो सिचुएशन यहाँ पे क्रिएटेड है उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग जब तक मैग्नेट को मूव करवाएंगे तब तक रिंग उसको अपोज करेगी। मतलब कि और भी फर्दर मूव करवाना होगा हमें और भी उसके ऊपर वर्क डन करना पड़ेगा। जितना वर्क डन करेंगे हम उतना ही यहाँ से हमें रिपल्सिव फोर्स भी मिलेगा तो उस कंडीशन में हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी फुलफिल होगा। इसी सिचुएशन को हम ये मान सकते हैं कि अगर ये नॉर्थ है तो कॉइल की जो दो साइड होगी, अगर मोबाइल या लैपटॉप के स्क्रीन के ऊपर आपने एक रिंग सोची तो उसका एक फेस होगा जो सीलिंग के तरफ होगा और नीचे का जो फेस होगा वो टूवर्ड्स द ग्राउंड होगा। सो हमें इसी कॉइल के दोनों फेस को भी अज्यूम करना है कि ऊपर वाला फेस कौन सा पोल हो सकता है। तो ऊपर वाला फेस जिसमें से मैग्नेटिक फील्ड बाहर निकल रही है जो इस वाले मैग्नेट को अपोज करेगी, तो ये वाला जो फेस होगा जो ऊपर वाला उसको हम मान लेंगे नॉर्थ और जो नीचे वाला टूवर्ड्स द ग्राउंड वाली जो सिचुएशन होगी हमारी टूवर्ड्स द ग्राउंड वाला जो फेस होगा रिंग का वो इंडिकेट करेगा साउथ। सो नॉर्थ नॉर्थ रिपेल करेंगे मतलब कि हमें एवरी टाइम एनर्जी के लिए वर्क डन करना होगा। सो ये हमारी सिचुएशन को सूटेबल है। अगर हमने ये एक पॉसिबिलिटी सोची कि ये हमारी कॉइल सामने से मैग्नेट आएगा नॉर्थ साउथ और हमने ये मान लिया कि यहाँ पे करंट हमारा जो फ्लो होने वाला है जो इंड्यूस होने वाला है उसकी डायरेक्शन होगी साउथ, उसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं एस साउथ क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अगर हमने ये चीज़ मान ली क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो ये वाला जो साउथ फेस बनेगा मतलब कि हमने जो कॉइल अज्यूम की है उस कॉइल का फ्रंट फेस जो मैग्नेट के सामने होगा अगर वो साउथ बन गया मतलब कि अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट होगा तो वो ऑलवेज नॉर्थ को अट्रैक्ट करेगी।
मतलब कि हमें मैग्नेट को नज़दीक लेके जाने के लिए सिर्फ एक जेंटल पुश करना होगा, उसके बाद वो सीधा अट्रैक्ट होगा। जैसे ये अट्रैक्ट होगा यहाँ पे पहुँचेगा, तो मैग्नेट का ये वाला जो साउथ होगा ये कॉइल के साउथ की वजह से अगेन रिपेल होगा, मतलब अगेन वो पीछे चला जाएगा। तो हमें सिर्फ एक बार जेंटल पुश देना है, उसके बाद कंटिन्यूसली टू एंड फ्रो मोशन होती रहेगी, कंटिन्यूसली चेंज इन फ्लक्स मिलता रहेगा और कंटिन्यूसली हमें लाइफ टाइम एनर्जी मिलती रहेगी, विच इज़ नॉट पॉसिबल। सिंपली जनरेटर में एक बार हमने डीजल डाला, उस स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हमारी कॉइल ने घूमना स्टार्ट किया और सेकेंड आउटपुट साइड पर हमें एसी, मतलब कि हमारा आउटपुट मिला। अगर एक बार डीजल डालने से लाइफ टाइम एनर्जी मिल सकती है, तो ये लोग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फुलफिल नहीं करती, बिकॉज एनर्जी कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो ये वाली सिचुएशन हमारी फुलफिल नहीं होगी। सो इस दोनों पॉसिबिलिटी से ये चीज़ पता चलेगी हमें कि जब भी कॉइल को मैग्नेट का नॉर्थ वाला पार्ट अप्रोच करेगा तब करंट होगी हमारी एंटीक्लॉकवाइज, और जब भी कॉइल का साउथ वाला पार्ट अप्रोच करेगा साउथ वाला पार्ट तब हमें मिलेगा डायरेक्टली एंटीक्लॉकवाइज। मतलब कि ये चीज़ ध्यान रखनी है सिंपली कि एक कॉइल लेनी है आपको, आपने आप ये वीडियो देख रहे हो मोबाइल स्क्रीन के ऊपर, लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर, एग्जैक्टली उसी स्क्रीन के ऊपर आपको एक कॉइल को अज्यूम करना है और फ्रॉम दी सीलिंग टू दी कॉइल एक मैग्नेट अप्रोच करने वाला है, उस मैग्नेट का नॉर्थ कॉइल के फ्रंट फेस को अप्रोच करेगा। सो जो कॉइल का फ्रंट फेस होगा वो बनेगा हमारा नॉर्थ, मतलब कि करंट होगा एंटी क्लॉकवाइज। तो इस सिचुएशन में हमें डायरेक्टली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का जो हमारा जो फुलफिलमेंट है वो कंप्लीट होगा, ये सिचुएशन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो करेगा। सो यही एक चीज़ है जो लेंस लॉ में हमें प्रॉपरली सीखनी है, याद रखनी है। सो बेसिकली ये लेंस लॉ हमें कहता क्या है कि जब भी किसी मैग्नेट को हम किसी कॉइल के थ्रू, मतलब कि किसी कॉइल से हम अप्रोच करवाना चाहते हैं, तब जो अपोज दी चेंज वाले एक हमें रिलेशन मिलेगा, अपोज दी चेंज। अब ये एक वर्ड को हमें प्रॉपरली समझना है, अपोज दी चेंज का मतलब क्या होगा कि इनिशियल जो कॉइल थी उस कॉइल के अंदर एक भी फ्लक्स नहीं था, मतलब कि एक भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स पास नहीं हो रही थी। जैसे एक मैग्नेट से हमने अप्रोच करवाया तब हमने देखा कि मैग्नेट की फील्ड लाइन्स कॉइल के अंदर लिंक होने वाली है, कॉइल के अंदर लिंक होना स्टार्ट हो गई। तो वो जो कॉइल है हमारी इनिशियल सिस्टम, जो इनिशियली जिसके पास एक भी फील्ड लाइन्स नहीं थी, वो अचानक से उसके अंदर जब फील्ड लाइन्स आएगी तब वो कॉइल इटसेल्फ उस सामने वाली फील्ड लाइन्स को अपोज करेगी। इसीलिए हमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को इसके साथ इंक्लूड किया। ऊपर से हमें ये एक सिंपल स्टेटमेंट याद रखना है, अपोज द चेंज, ये नेचर का रूल है कि जब भी किसी सिस्टम के अंदर हम डिस्टरबेंस क्रिएट करेंगे वो सिस्टम अपने ओरिजिनल स्टेट में रहने के लिए उस डिस्टरबेंस को अपोज करेगी। सो यहाँ पे भी यही चीज़ होगी कि जब भी किसी मैग्नेट को किसी कॉइल के पास लेके जाएंगे, मतलब अगर मैग्नेट अप्रोच करेगा उस कॉइल को जिसके पास इनिशियली कोई मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स नहीं थी, तो आफ्टर अ सर्टेन डिस्टेंस ये कॉइल खुद भी अपनी मैग्नेटिक फील्ड्स बनाने स्टार्ट कर देगी और उस मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स को अपोज करेगी। सो इसीलिए इस स्टेटमेंट का, इस लेंस लॉ को हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में इंक्लूड किया। E इज इक्वल टू डी फाई बी बाई डी टी, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, और इस चेंज की वजह से जो हमें EMF मिलेगा वो EMF E, और ये जो नेचर हमें मिलेगा वो नेचर कैसा होगा, अपोज द चेंज। इसलिए हम ऑलवेज माइनस की साइन साथ में रखते हैं इसको प्रॉपरली डिफाइन करने के लिए, अदरवाइज जब भी MCQ न्यूमेरिकल्स करेंगे उसमें डायरेक्टली मैग्नीट्यूड हम यूज़ करेंगे। सो ये एक बेसिक चीज़ है लेंस लॉ के लिए, इसको हम प्रॉपरली एनिमेशन में भी दिखाएंगे, बट स्टेटमेंट थ्योरी कैसे लिखनी है उसके सारे पॉइंट्स मैंने यहाँ पे ऐड किए हैं। इन 1834 जर्मन फिजिसिस्ट हेनरिच फ्रेडरिच लेंस
1804 to 1865 deduced a rule known as Lenz's law, which gives the polarity of the induced EMF in a clear and concise fashion. The statement of the law is, अब आपको directly exam में statement ही लिखना है, ये सारे detail नहीं लिखनी है. The polarity of induced EMF is such that it tends to produce a current which opposes the change in magnetic flux that produces it. The negative sign shown in the equation E is equal to minus d phi b by dt represents this effect. जो मैंने आपको पहले बताया था. Now explanation. अब हमने ये एक simple first possibility देखी है. In figure, we see that the north pole of a bar magnet is being pushed towards the closed coil. As the north pole of the bar magnet moves towards the coil, the magnetic flux through the coil increases. Coil के अंदर magnetic flux increase होता जाएगा. तो उसी को oppose करने के लिए coil खुद भी एक magnetic field lines उसको oppose करने के लिए बनाएगी. Hence, current is induced in the coil in such a direction that it opposes the increasing flux. जो flux increase हो रहा है उस increase flux को decrease करने की, मतलब कि अपने original state में लाने की try करेगा. This is possible only if the current in the coil is in a counterclockwise, जो मैंने आपको बताया anti-clockwise direction with respect to an observer situated on the side of the magnet. आपको इस theory के लिए इस representation की काफ़ी practice करनी होगी. Originally ये system को आप easily assume कर सकते हैं. और एक बार मैं आपको clear यहाँ पे कर रहा हूँ कि mobile screen के ऊपर exact आपको एक सर्कुलर रिंग माननी है. उस रिंग के ऊपर वाले पार्ट, मतलब कि सीलिंग जो आपको दिखाई दे रहा होगा, उस सीलिंग से उस रिंग को एक मैग्नेट अप्रोच करेगा. सीलिंग से रिंग को अप्रोच करेगा तो मैग्नेट का नॉर्थ वाला फेस रिंग को अप्रोच करने वाला है. सो मैग्नेट के नॉर्थ वाले फेस के सामने जो रिंग का फेस होगा वो उसको हमने मान लिया फ्रंट फेस, और जो पीछे जो ग्राउंड की तरफ फेस दिखेगा उसको हमने मान लिया उसका बैक फेस. अब करना क्या हमें, जैसे मैग्नेट रिंग को अप्रोच करेगा, मतलब कि रिंग के अंदर और भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐड होना स्टार्ट हो जाएगी, तो ये रिंग अपने अंदर इस डायरेक्शन में करंट फ्लो करवाएगी कि वो उस मैग्नेटिक फ्लक्स को अपोज कर सके. इसलिए ये सिचुएशन तब पॉसिबल है जब रिंग अपने अंदर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो करवाना स्टार्ट करेगी. सो जो हमें मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर जब वो हमने रिंग को अज्यूम किया और सीलिंग से लेके रिंग तक का अप्रोच हमने देखा, सो वो वाला जो फेस होगा रिंग का, मतलब कि सीलिंग के टूवर्ड्स वाला फेस, वो बन जाएगा नॉर्थ, और जो ग्राउंड की तरफ जो हमारा फेस बचेगा वो फेस बन जाएगा हमारा साउथ. सो बेसिकली जब नॉर्थ वाला फेस किसी रिंग को अप्रोच करेगा तो उस रिंग के अंदर एंटी क्लॉकवाइज करंट बनेगा और वो करंट उस मैग्नेटिक फ्लक्स को अपोज करेगा. ये बेसिक स्टेटमेंट, जैसे एनिमेशन देखेंगे और भी क्लियर होगा, बट प्लीज़ आपको ये सारी चीज़ अज्यूम इन द सेंस कि आपको विजुलाइज करनी है कि हमने ये रिंग मानी, ये मैग्नेट माना, इस तरह हमने इसको अप्रोच करवाया, तो सारी स्टोरी आपको विजुलाइज होनी चाहिए. नाउ पॉसिबिलिटी नंबर टू. Note that magnetic moment associated with this current has north polarity towards the north pole of the approaching magnet. Similarly, if the north pole of the magnet is being withdrawn from the coil, the magnetic flux through the coil will decrease. अब जैसे उस magnet को हमने coil से दूर कर लिया, पहले एक ऐसे distance पे थे जहाँ पे magnetic field lines एक भी coil के साथ link नहीं हो रही थी. सेकेंड सिचुएशन में हमने मैग्नेट को अप्रोच करवाया, मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स और ज़्यादा लिंक होना स्टार्ट करेगी, तो रिंग क्या करेगी, उसको अपोज करेगी, मतलब उसको कम करना चाहेगी. अब जैसे उस मैग्नेट को और दूर लेके गए हम, मतलब कि अब कॉइल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स कम हो जाएगी, तो मैग्नेट अब क्या, मतलब कॉइल अब क्या ट्राई करेगी कि और भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स मेरे अंदर आए, तो इस सिचुएशन में करंट की डायरेक्शन हमारी चेंज हो जाएगी.
टू काउंटर दिस डिक्रीज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स द इंड्यूस करंट इन द कॉइल फ्लोज इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। सो आपको ये चीज सोचना है कि एक मैग्नेट और एक कॉइल लिया हमने, मैग्नेट के नॉर्थ ने कॉइल को अप्रोच किया, जैसे अप्रोच करेंगे एंटी क्लॉकवाइज, जैसे उस मैग्नेट को दूर लेके जाएंगे क्लॉकवाइज। ये दोनों चीज़ हमें क्या इंडिकेट करेगी कि उस कॉइल के अंदर जो चेंज हो रहा है अभी मैग्नेटिक फ्लक्स है, उस चेंज को वो कॉइल अपोज करना स्टार्ट कर रही है। सो एंड इट्स साउथ पोल फेसिस द रिसीडिंग नॉर्थ पोल ऑफ द बार मैग्नेट, दिस वुड रिजल्ट इन एन अट्रैक्टिव फोर्स विच अपोजिज द मोशन ऑफ द मैग्नेट एंड द करस्पॉन्डिंग डिक्रीज इन फ्लक्स। नोट, इफ एन ओपन सर्किट इज यूज इज इन प्लेस ऑफ द क्लोज लूप इन द अबव एग्जाम्पल, देन इन दिस केस टू एंड EMF इज इंड्यूस अक्रॉस द ओपन एंड्स ऑफ द सर्किट, इट्स डिरेक्शन कैन ऑल्सो बी फाउंड बाई लेंस लॉ। आप लेंस लॉ से इसको भी आइडेंटिफाई कर सकते हो। सपोज डेट द इंड्यूस करंट इज इन द डिरेक्शन इज शोन इन फिगर बी। अब हमने सेकेंड पॉसिबिलिटी सोची, अगर हमने सिर्फ ये सेकेंड पॉसिबिलिटी के लिए सोच लिया कि नॉर्थ वाला फेस कॉइल को अप्रोच करेगा, और हमने पॉसिबिलिटी पूरी अपोजिट कर ली कि करंट की डायरेक्शन क्लॉकवाइज मान ली, तो जो कॉइल का जो फेस होगा, जो नॉर्थ पोल को मैग्नेट के नॉर्थ पोल को जो फेस कर रहा है वो उसको हमने साउथ बना लिया, तो हमें सिर्फ एक काम करना है, इनिशियली सिर्फ जेंटल पुश करना है मैग्नेट को, वो अपने आप कॉइल को अप्रोच करेगा, कॉइल से दूर जाएगा, अप्रोच करेगा दूर जाएगा, कंटिन्यूस फॉर्म में हमें एनर्जी मिलती जाएगी विदाउट डूइंग अ वर्क विच इज़ नॉट पॉसिबल। इन दैट केस द साउथ पोल ड्यू टू द इंड्यूस करंट विल फेस द अप्रोचिंग नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट, द बार मैग्नेट विल देन बी अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द कॉइल एट एन एवर इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन। इफ दिस कैन हैपन अ जेंटल पुश ऑन द मैग्नेट विल इनिशिएट द प्रोसेस and its velocity and kinetic energy will continuously increase without using any energy. This violates the law of conservation of energy and hence cannot happen. इसलिए ये second possibility हमारी possible नहीं है। Now consider the correct case shown in figure. In this situation, the bar magnet experiences a repulsive force due to the induced current. Therefore, a person has to do work in moving the magnet. The energy spent by the person is dissipated by joule heating produced by the induced current, which is compatible with conservation of energy. तो ये हमारा correct statement होगा कि anyhow any situation में person को work done करना है through the magnet towards the coil, और उस every approach के बाद हमें मिलेगा एक output में energy. सो ये सिंपल सा लॉजिक है हमारा कि जब भी किसी एनर्जी मतलब कि किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर हमने वर्क डन करवाया तो उस वर्क डन को हम स्टोर करेंगे और उसका हमें एक आउटपुट में अलग फॉर्मेट मिलना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमने सिर्फ एक बार वर्क डन करवाया और लाइफ टाइम हमें एनर्जी मिलती रहे। सो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फुलफिल नहीं करता, इसलिए हमें ये फाइनल स्टेटमेंट लिखा। सो दोनों पॉसिबिलिटी आपको एग्ज़ाम के अंदर अगर 3 मार्क्स में ये क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको दोनों पॉसिबिलिटी को प्रॉपरली जस्टिफाई करना है विद द प्रॉपर स्टेटमेंट। मैंने यहाँ पे पूरे सारे स्टेटमेंट को इंडिकेट किया, आपको NCERT से भी सारे स्टेटमेंट मिल जाएंगे, बट आपको ट्राई करना है कि जितना हो सके उसको प्रॉपरली हम स्पेसिफाई करें आंसर शीट के अंदर। सो ये था लेंस लॉ, जिसका मेन यूज़ हमने किया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जिसका मैथमेटिकल फॉर्मेट देखा हमने इनिशियली E=-d∅b/dt। उस माइनस का सिग्निफिकेंस, उस नेगेटिव साइन का सिग्निफिकेंस हमने यहाँ से देखा। अब इस सारी सिचुएशन को एक एनिमेटेड फॉर्मेट में हम देखते हैं। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, लेंज़ लॉ, बार मैग्नेट, सामने कॉइल को हमने अप्रोच करवाना है। अब यहाँ से हम मैग्नेट लेके जाएंगे टूवर्ड्स दी कॉइल, जैसे कॉइल के नज़दीक लेके जाएंगे तो इस कॉइल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और भी इंक्रीज होगी, तो उस मैग्नेटिक फील्ड को डिक्रीज करने के लिए कॉइल उसके अंदर से और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस
यहाँ पे हमने देखा ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर निकाली, मतलब कि नॉर्थ साउथ फेज इस तरफ बना, मतलब कि यहाँ पे कॉइल का नॉर्थ बनेगा और पीछे वाले साइड पे मैग्नेट कॉइल का साउथ, और ये जो नॉर्थ साउथ बनेगा ये मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करेगा। सो ये फर्स्ट पॉसिबिलिटी हमने देखी। लेंसेज लॉ प्रेडिक्ट्स दैट द इंड्यूस करंट विल फ्लो टू सेट अप अ मैग्नेटिक फील्ड विच रिपेल एंड स्लो द मोशन ऑफ द अप्रोचिंग बार मैग्नेट। नाउ दिस इज द सेकेंड सिचुएशन, बार मैग्नेट मूव्ड टूवर्ड्स द कॉइल, हमने मैग्नेट को पुश करवाना है यहाँ से। ये हमने मैग्नेट को मूव करवाया, काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम, मतलब कि हमने काइनेटिक एनर्जी के अंदर एक चेंज किया, मतलब कि हमने एक स्पीड से एक वेलोसिटी से मैग्नेट को मूव करवाया। अब सामने रहेगी एक कॉइल जिसके अंदर हमें करंट अज्यूम करना है। हमने मान लिया कि ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी ऑफ द करंट, मतलब कि इस कॉइल के अंदर जो करंट घूमेगा ये करंट की जो डायरेक्शन होनी चाहिए वो डायरेक्शन किस टाइप की होनी चाहिए। सो काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम डिक्रीजेस, इट मीन्स इंड्यूस करंट रिपेल्स मैग्नेट, मतलब कि काइनेटिक एनर्जी जो सिस्टम की है वो डिक्रीज होनी चाहिए, मतलब कि इनिशियली हमने काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज की तो सामने वाले सिस्टम ट्राई करेगी उसको डिक्रीज करने में। सो इसलिए लोग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को हमने यहाँ पे ऐड ऑन किया कि इसका डायरेक्टली रिलेशन है एनर्जी के साथ। सो अगर हमें ये सिचुएशन मानी कि करंट एंटी क्लॉकवाइज होगा तो कॉइल का नॉर्थ एंड साउथ फेस ऐसे बनेगा कि वो ओरिजिनल मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को अपोज करेगा, इन शॉर्ट वो इंड्यूस करंट को ऐसे क्रिएट करेगा कि वो मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड लाइन को यहाँ से कम करने की ट्राई करेगा। अब हमने क्या किया थर्ड सिचुएशन में कि मैग्नेट को कॉइल से दूर लेके गए, अब हमें यहाँ से इसको अपोजिट डायरेक्शन में मूव करवाना है। तो अब जो सिचुएशन क्रिएट होगी ये सिचुएशन ऐसी होगी कि कॉइल के अंदर हमने माना कि बहुत सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है, फॉर एग्जांपल 100 मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है जो लिंक्ड है कॉइल के साथ। अब हमने क्या देखा कि हमने मैग्नेट को कॉइल से दूर किया, अब जैसे दूर जाएगा तब हमें दिखेगा कि ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स जो कॉइल के अंदर 100 फील्ड लाइन्स से जो लिंक्ड थी वो कम हो गई। तो कॉइल इट्सेल्फ ये चीज़ ट्राई करेगा कि अपनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स को वो बनाए रखे, मतलब कि उसकी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर डिक्रीमेंट ना हो। अगर मैग्नेटिक फील्ड में डिक्रीमेंट ना हो तो इसलिए कॉइल ट्राई करेगा अपने अंदर करंट फ्लो करवाने का, वो भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। सो क्लॉकवाइज डायरेक्शन से ये वाला जो फेस बनेगा ये साउथ बनेगा और अपोजिट वाला नॉर्थ बनेगा। बार मैग्नेट मूव्ड अवे फ्रॉम द कॉइल।